नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक, आप देख रहे हैं डॉक्टर आलोक बेट क्लब। हॉस्पिटल पे एक डॉग आया है, उसमें फोड़ा बहुत बड़ा सा फोड़ा हो गया है, बहुत ही क्रिटिकल केस है। देखते रहिए आप इसको। चैनल पे नए नए जुड़े हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें और अच्छे वीडियोज़ आप देखते रहें पशु चिकित्सा से संबंधित, पशुपालन से संबंधित। अब इसकी हिस्ट्री ये है कि हफ्ता 10 दिन पहले से ये सूजन है यहाँ पे बहुत बड़ा सा गर्दन पे, और कुत्ता जो है खाना पीना बंद कर दिया या खाता है तो उल्टी कर देता है, समस्या ज़्यादा है। और कोई दवा या किसी तरह से और ट्रीटमेंट का कोई असर नहीं हो रहा था, तो पशुपालक हमारे हॉस्पिटल लेके आए हैं। तो हम लोगों ने पहले चेक किया कि ये स्वेलिंग क्या है, तो नीडल लगा के देखा गया तो उसमें पस आ रहा है, ये एब्सेस हो गया है, बहुत ही बड़ा सा एब्सेस है। और उसकी वजह से इसोफेगस के पास है क्योंकि दबता है उससे, तो जब भी कुछ खाता है तो निगल नहीं पा रहा है, और निगल भी पा रहा है तो वो समस्या ऐसी है कि वो वोमिट कर जा रहा है। तो इसको इंसाइज करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये देखिए, अभी हमने देखिए कितना पस निकला, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कैविटी हो गया है, अंदर तक बहुत गहरा है। तो सबसे पहले बीटाडीन लोशन डाल के उसको बढ़िया से वाश करेंगे, वाश करने के बाद फिर हम बीटाडीन का गौज बना के इसमें बढ़िया से भर दिया जाएगा। और ये गौज तब तक भरते रहेंगे जब तक अंदर से कैविटी पूरी जो एब्सेस की है वो भर ना जाए, तब तक गौज तो चलता रहेगा, एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग बराबर चलती रहेगी। और डॉग को क्योंकि कई दिन से खा भी नहीं पा रहा है ढंग से, तो इस केस में ड्रिप चढ़ाएंगे, और ड्रिप में साथ के साथ एंटीबायोटिक सेफ्ट्रैक्जोन 500 mg मोनोसेफ के नाम से आता है, उसको डेक्सा 2 ml और एसीलाक 2 ml, ये उसमें एक 2 ml न्यूरोबियान भी डाल देंगे, बी कॉम्प्लेक्स भी। तो ये इसको आईवी चढ़ा देंगे और मेलोनेक्स प्लस 2 ml इंट्रामस्कुलर लगा देंगे, पेन किलर, स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा है तो जिससे रिलीफ मिले। और ड्रेसिंग बराबर चलती रहेगी, एंटीबायोटिक और ड्रिप वगैरह 3 दिन लगातार चलेंगे, और ड्रेसिंग तो तब तक चलती रहेगी जब तक अंदर से पूरे बढ़िया घाव ना भर जाए, और बराबर देख रेख में ये काम चलता रहेगा। जल्दी से रिकवरी होगी, लेकिन बहुत ही बड़ा सा है थोड़ा, तो थोड़ा सा तब भी 15-20 दिन लगेगा